हाय, मैं प्रतीक रावत। 30 तारीख रात 9 बजे मैं मलाड में था, और जहाँ पे मैंने होप एंड शाइन कैफे विजिट किया कॉफ़ी पीने के लिए, तो उधर 2 कोल्ड कॉफ़ी मैंने ऑर्डर की, एक मेरे लिए और एक मेरे फ्रेंड के लिए। तो कॉफ़ी आई, कॉफ़ी थोड़ी कड़वी थी, उसके कारण मैंने वेटर को बोला इसमें स्वीट ऐड करने के लिए। उसके बाद जब कॉफ़ी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली थी, 20-30% कॉफ़ी पेंडिंग थी, तो तब पता चला कि उसके अंदर एक कॉकरोच है, वो भी मरा हुआ। मैंने वेटर को तुरंत इसके रिगार्डिंग कंप्लेन किया, और वेटर ने मैनेजर को बोला, मैनेजर ने ओनर को बोला, एंड ओनर उधर आए, ओनर ने चेक किया, बट जैसा रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ओनर के साइड से, वैसा बिल्कुल नहीं था। वो थोड़े भी प्लीजिंग नहीं थे, एंड उन्होंने सिंपली बोल दिया कि हाँ ठीक है, सॉरी, गलती हो गई है, अभी हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके कारण मुझे कंप्लेन फाइल करनी पड़ी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इश्यू है हेल्थ एंड हाइजीन का। हम इतना पैसा पे करते हैं एक कॉफ़ी के लिए, और इन रिटर्न्स खाली वही एक्सपेक्ट करते हैं कि एक हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं मेंटेन हो रही थी इधर। और इसके कारण हमने FIR लॉन्च की, मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलके, और पुलिस ने भी एश्योर किया कि हम स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेंगे इसके अगेंस्ट। जो भी लैप्सेस हैं उनको BMC के कंसर्न में डाला जाएगा, और इंस्पेक्शन करवाया जाएगा पूरे कैफे का, एंड सारे लाइसेंसेस चेक किए जाएंगे, फूड लाइसेंस है या नहीं है, बाकी फायर लाइसेंस है या नहीं है, सब चीज़ों की जांच की जाएगी। पुलिस भी बहुत सपोर्टिव थे इस केस में, और उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को हैंडल किया। और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाकी भी लोग, जो बाकी जनता है, इतने अच्छे अच्छे कैफेज में विजिट करते हैं, तो अपने सराउंडिंग्स में थोड़ा देखना चाहिए कि हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन हो रही है या नहीं। थैंक यू।